بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله سبحان الله وقال بعض فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك कहाबिक या हबीब अल्लाह। मोहतरम हाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में नबी पाक सादिल-ओ-लाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की धूम है और उससे चार दांगे आलम के दरो दीवार गूंज रहे हैं और ये हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि जितनी मुखालफत सरकार दो आलम इस्लाम की हुई है किसी नबी की इतनी मुखालफत नहीं हुई। इतनी मुखालफत के होते हुए इतना उबरना ये सरकार की खुसूसी शान है। मैंने कुरान मजीद से दो आयतें पढ़ी हैं, एक सूरह आले इमरान से। अल्लाह करीम फरमाते हैं لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया इज बाफी रसूला। ये इज जो लफ्ज आया हुआ है कुरान मजीद में है ज़र्फिया है, यानी प्लेस नाउन के माना देता है, लेकिन महल्ले तहलील में वाक़ हुआ है, यानी वजह बयान करने के लिए का क्या एहसान है, क्यों एहसान किया है का इस वजह से के बहुत बड़ी शान वाला रसूल जो उन्हीं में से है भेज दिया है। और यतलू अलैहिम आयात ही जो इनको उसकी आयतें यानी रब की आयतें सुनाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया मोमिनों पर इस महले तालील में वाक़ होने का, ये मतलब है क्योंकि उनमें उन्हीं में से बड़ी शान वाला रसूल भेजा है जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, वयुज़क्कीहिम और उन्हें पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब
उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, वही यज़की हिम और उन्हें पाक करता है। वह इन कानून मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, और ये पक्की बात है कि ये जितने भी ईमान वाले लोग हैं इनके ईमान का सरमाया मोहताज है मेरे महबूब का। मेरे यार के आने से पहले इनमें कोई भी हदायत पर नहीं था। तो इस जगह हजरत सैयद महमूद आलूसी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सन वफात है 1250, बगदाद के रहने वाले हैं, मजहबन शाफी हैं और शेख खालिद कुर्दी नक्शबंदी मुजद्दी के मुरीद हैं, सैयद खानदान के आदमी हैं, और अल्लामा शामी और ये दोनों पीर भाई हैं, वो भी शेख खालिद कुर्दी के मुरीद हैं, ये भी शेख खालिद कुर्दी के मुरीद हैं। वो कहते हैं इस जगह ये लकद जो है ये जवाब कसम है। कसम क्या है कि अपनी जात पाक की कसम फरमा के कहता हूँ कि मैंने यकीनन बड़ा एहसान किया है। ये कसम क्यों खाई जाया करती है? बात की पुख्तगी का यकीन दिलाने के लिए। इसमें शक व शुबा की बात क्या रह गई थी कि खुदा ने कसम फरमाई है? फरमाया इसका ताल्लुक जो है वो मुतकल्लिम के कौल के साथ नहीं है, यानी खुद को उसको शक व शुबा नहीं है, बल्कि मुखातिब के शक व शुबा को दूर करने के लिए। बलागत एक इल्म है जिसको एलोक्वेंस कहते हैं अंग्रेजी में। उसका मौजू क्या है? हाल मुखातब को देख के कलाम को वारिद करना। जैसा आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपकी पेशानी पर कोई रील चल रही है जो आपके किसी शक व शुबा की निशानदेही कर रही है, तो मैं आपकी पेशानी से उस शक व शुबा को मालूम कर लूं और मैं उसका सवाल करने से पहले जवाब दे दूं। ये एलोक्वेंस है, ये इल्म बलागत है। इसके अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह करीम ने काफी सारी सिफात सरकार की बयान की हैं। उनमें एक सिफत ये है कि वो उन्हें पाक करता है, उसके बाद है कि वो उन्हें किताब पढ़ाता है और हिकमत सिखाता है। ये तमाम आसमानी तालीमात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जितने भी नबी और रसूल दुनिया में आए उन्होंने आकर पहले किताब पढ़ाई है, पहले दीन सिखाया है, बाद में उन्हें पाक किया है। रब्बे करीम ने बताया कि बाकी अंबिया मुरसलीन की तालीम में और इस मेरे यार की तालीम में बुनियादी फर्क यह है, उनके यहाँ पहले इलम पढ़ा जाता है, पीछे पाकिजगी हासिल होती है। ये मेरा महबूब वो है कि इलम गर्दद हिजाबा जा के मन दीदार मी बीनो, इलम गर्दद हिजाबा जा के मन दीदार मी बीनो, के उराए दिगर कर दस्त मन जाए दिगर दारम। हाफ़िज़े शिराज़ी फरमाते हैं इल्म उस जगह जाकर के पर्दा बन जाता है कि जिस जगह मैं दीदार के मजे लेता हूँ, कि इल्म का ठिकाना और है और इश्क का ठिकाना और है। का इस मेरे महबूब की तालीमात में और बाकी अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम की तालीमात में बुनियादी फर्क यह है, इसकी निगाह पड़े तो इल्म पूरा हो या न हो दीन पूरा हो जाता है। यही बात समझने के लायक है कि इल्म अकीदा के अंदर ये बहस आती है कि जब कुरान मजीद ही पूरा नहीं हुआ था तो वो सहाबा जो उससे पहले पहले फौत हो गए
शहीद हो गए, उनका ईमान मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ? का ईमान मुकम्मल हो गया है। कहा जब किताब ही पूरी नहीं हुई तो ईमान किसने मुकम्मल हो गया है? कहा निगाह मुस्तफा ने उस सारी कमी को पूरा कर दिया है। हजूर अलैहिस्सलाम के अंदर जो कशिश है ना, उसने इंसानी अकलों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है हमारे इल्म अकीदा के अंदर। ये बहस आती है कि नबियों में से कोई बदसूरत नहीं गुजरा, खूबसूरती भी नबूवत के जरूरियात में से है। बदसूरत होना ये झूठा होने की निशानी है, नबी होने की निशानी नहीं हो सकती। नबी होने के लिए उसका खूबसूरत होना भी बड़ा जरूरी है। इसीलिए हजरत हसन इब्न साबित फरमाते हैं वह अगसना मिन कलम तरक तो ऐनी वह अहसना मिन कलम तरक तो ऐनी व अजमल मिन कलम तले दिल निसाऊ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने कोई देखा ही नहीं। वो अगसना मिल कलम तरक तो है नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि आपसे आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक कायनात में जना ही नहीं। ये बात क्यों फरमाई? दरअसल जिस दिन सरकार की विलादत हुई, और लिखा है इमाम बेहकी ने सुनन कुबरा के अंदर 10 जिल्दों की किताब है, और इमाम बेहकी जो है वो 458 सन हिजरी में उनकी वफात हुई है। इमाम हाकिम के शागिर्द हैं और कमाल दर्जे का आदमी है। उन्होंने लिखा है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कान यहूदी फी मक्का तैयत चुरुफिया, मक्के शरीफ में एक यहूदी रहता था मगर इबादत की गर्ज से नहीं, तिजारत की गर्ज से। एक दिन सुबह ही सुबह मुसलमानों को आके कहने लगा या माशरा या माशर अल मुस्लिमीना कद बोले द फीकुम नबीयो आज़ेहिल उम्मा। सुभान अल्लाह, ए मुसलमानों की जमात के लोगों, तुम्हें बताता हूं कि आज तुम्हारा तुम्हारे अंदर इस उम्मत का जो आखिरी नबी है वो पैदा हो गया है। उनका ये तुक और अटकल से कोई बात कर रहा है, लेकिन सरकार के तशरीफ लाने से पहले ये तुक्कें चल सकती थी। सरकार तशरीफ लाए तो ये जितने जादू गंडे थे वो सारे के सारे घुल गए। सरकार का तशरीफ लाना, जो शैतान आसमानों पर जाया करते थे और मालूमात चुरा के लाया करते थे और मुशरिकीन के रानुमाओं को बताया करते थे और वो उनके कुफरिया अकायद को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए वक्त से पहले बतला देते थे ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि हम सच्चे हैं, हम कह भी खबरें देते हैं। ये उनमें से एक आदमी था। उसने कहा मुसलमानों, तुम में एक वो शख्स जो इस उम्मत का, इंसानियत के जुमरे का सबसे आखिरी रसूल है, वो पैदा हो गया है। और कहता है कि बैन कतफे खत्म नबूवत है, उसके दोनों कंधों के दरमियान नबूवत की मोर है। और अलिया शारात मुतताबियात, और उसके दोनों कंधों के दरमियान जो मोर है उसके ऊपर ऊपर बाल उगे हुए हैं जैसा घोड़े की याल होती है। ये जो घोड़े की गर्दन पर बाल होते हैं ना, इसको उर्दू में याल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मैन कहते हैं, MANE मैन, जिसे घोड़े के
गर्दन पे बाल होते हैं, शारातुम मुतताबियातुम, वो खड़े खड़े बाल हैं और मोरे नबूवत है। तो उस वक्त उसने मुसलमानों से कहा, जब ये बात कही तो लोगों ने कहा कि जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था ना अब्दुल्ला, फौत हो गया है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ है। वो कहता है मुझे वहां ले चलो। उसको ले आए, जिस वक्त सरकार के घर वो पहुंचा तो सैयदा आमिना खातून, उनसे कहा गया वो बच्चा लाओ। जब बच्चे को लाया गया, हजूर सलातुस्सलाम माँ की गोद में है, उसने फटाफट उल्टा करके सरकार को देखा। जू ही मोरे नबूवत वमै पूरी अलामात के उसने देखी तो फखर्रा मक्शीयन अली, बेहोश होकर के वो जा लगा। सरकार के मीलाद वाले दिन दौरे हाजिर के दानिश्वरों का ये कहना है कि सरकार की वफात का दिन भी वही है जो सरकार की विलादत का दिन है। जनाबी सैयदा वफात वाले दिन बड़ी गमजदा हैं, तो फिर तुम्हें सरकार के वफात भी तो बनानी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमें शिया बनाना चाहते हो कि साल के बाद मातमी जुलूस निकाले, ये तुम्हें मुनासिब है। मौसमी तब्दीलियों के साथ तुम अपना मजहब तब्दील कर सकते हो, हमारा एक ही मजहब है। क्या बात है, गर्मियों के सर्दी हो, अल्लाह अकबर, अगर जे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा एक ही नारा। इंशाल्लाह इसकी मजीद वजात मिलाद शी वाले जुलूस वाले दिन करेंगे इतवार को। लेकिन हम ये पूछते हैं, जनाबे सैयदा को जब इत्तला हुई कि सरकार दुनिया से जाने वाले, गमजदा हुई, लेकिन जिस वक्त सरकार फरमा फातिमा घबराओ नहीं, मेरे बाद सबसे पहले दुनिया से तुम जाओगी और 6 महीने का वक्फा होगा, मेरी तेरी मुलाकात होगी। उस दर सरकार जनाबे सैयदा हंस पड़ी। इसका मतलब यह है कि मौत वाला दिन गम का दिन उसके लिए है जिसको सरकार से वसल की कोई उम्मीद ना हो। जिसको सरकार से वसल की उम्मीद हो, दिल ना क्यों हम सरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मिजार में। ये भी सरकार का उम्मत मुस्लिमों पर एहसान है। मौत हर शख्स के लिए दुश्वार है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मोहब्बत में वो मिजाज पैदा किया है कि मौत उनके लिए खुशी का दिन बन गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अहलिया मोहतरमा आपके पास बैठी हुई हैं, आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। आप हजरत बिलाल को देख के कहती हैं, वाह हसरता हो या बिलाल, वाह हजना हो या बिलाल, ए बिलाल अफसोस है कि तुम मर रहे हो। उन्होंने फरमाया, ला तकूली वाह हजनाओ या बिलाल, वाह हसरताओ या बिलाल, ये मत कहो हाय अफसोस बिलाल मर रहे हो, तुम कहो मुबारकबाद है कि तुम मर रहे हो। अल्लाह अकबर। का मौत का दिन गम का दिन उसके लिए है जिसको वसले महबूबे किबरिया की उम्मीद ना हो। का मुद्दते हुई है सरकार से बिछड़े हुए, अब जू ही आखिरी सांस निकलेगा सरकार से मुलाकात हो जाएगी। दिल न क्यों हो मुसरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मिजार में। मुसलमान समझता है कि हमारे लिए मौत का दिन खुशी का दिन है कि वो सरकार से मुलाकात का दिन है, इसी वजह से उसको उर्स भी कहते हैं। क्या बात है, उर्स कहते हैं शादी को।
شادی اس مفہوم کا نام ہے کہ کسی چاہنے والے اور چہیتے کے درمیان ملاقات کا پہلا دن ہوتا ہے، کا دنیا میں جی جی کے بچھوڑا کاٹ کاٹ کے جو سرکار سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کافی لمبے بچھوڑے کے بعد وصل کا دن آیا ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ حضر قیاس حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی رحمت اللہ تعالی علیہ ترکیہ کے ایک عالم دین ہیں، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید ہیں۔ یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں بے پیرے لوگ ہیں، اور سنیوں میں سے بھی جتنے بے پیرے ہو گئے اسی وقت سے لے کر بدعقیدہ بھی ہو گئے۔ یہ تصوف کی کتابوں کے اندر حدیث آتی ہے، من لم یکن لہ الشیخ فالشیخ لہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کی پیری کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے نا نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی سوچ بڑی مختلف تھی۔ علامہ اسماعیل حقی افندی سلسلہ آدریہ، سلسلہ عالیہ قادریہ نجمیہ اس کے مرید ہیں۔ اسی لیے جو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاویلات نجمیہ، وہ تفسیر اشاری ہے۔ تفسیر اشاری مفسرین کی بولی کا ایک لفظ ہے، سبحان اللہ، جس جگہ کوئی تصوف کا معنی پایا جاتا ہے صوفیہ کے عقیدے کے مطابق اس کی تشریح کرنا، سبحان اللہ، اس کا نام ہے تفسیر اشاری۔ سبحان اللہ، اس پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ شیخ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا تمام حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی من لم یرا نفسہ فی ملک ہی فی جمیع احوالہ ہی و اماکن ہی لم یذق حلاوت الایمان، جو ہر وقت اپنے آپ کو سرکار کی ملکیت میں نہ سمجھے ایمان کی لذت اسے حاصل ہو سکتی ہی نہیں۔ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے جلد دوئم کتاب المحبت میں یہ ذکر کرتے ہیں شیخ عبداللہ تستری کے، وہ کتاب بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر اگر تفسیر اشاری لکھی ہے تو ابوالقاسم کشیری نے لکھی ہے۔ ابوالقاسم کشیری وہ بزرگ ہیں جن کی تصوف پر ایک کتاب ہے رسالہ کشیریہ، سبحان اللہ، عقائد بھی ہیں تصوف بھی ہے، وہ میرے کتخانے موجود ہے۔ سبحان اللہ، حضرت غوث ثقلین نے اپنی طریقت کے سلسلے میں جس کا تتبع کیا ہے وہ رسالہ کشیریہ ہے۔ اس کے بعد سید محمود علوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں ہر وہ آیت جس کے اندر صوفیت کا کوئی معنی ملتا ہے، انہوں نے من باب الاشارات کہہ کے تفسیر اس کی ہے۔ تو تفسیر اشاری کے بھی بڑے ماہر ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی، وہ کہتے ہیں میں ایک دن یہ پڑھ رہا تھا کہ مومن کی موت بڑی آسان ہے، سبحان اللہ، اتنی آسان ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے۔ ہم نے جو تجربہ کیا ہے دیکھا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی تو نہ صرف جان نکلنے میں خاصی دقت ہوتی ہے، زبان باہر آ جاتی ہے۔ بڑا تاریخی مشہور واقعہ ہے دبئی کا، جس نے یہ تقریر کی تھی، کل میں سارے گیارہویں والوں کا حساب لوں گا، گیارہویں اور بارہویں دونوں کو نکال کے چھوڑوں گا۔ تو رات کو اس کو دورہ پڑا، اس جگہ جو ڈاکٹر تھے چھ چھ مہینے روٹی نہیں کھا سکے بعد، انہوں نے کہا ہم نے کسی بیل اور جانور کی بھی اتنی لمبی زبان نہیں دیکھی۔ تو موت اتنی مشکل چیز ہے، وضو ٹوٹ جاتے ہیں، حلیہ بدل جاتا ہے، زبانیں لٹک جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی افندی فرماتے ہیں میں کس طرح جانوں کہ موت بڑی آسان ہے۔
कदे जूई में सोया आंख लगी कि आंख मदीने वाली सरकार से लग गई। तो सरकार मुझे फरमाते हैं, ए इस्माइल अक्की अफंदी, तेरे इस सवाल का जवाब सूरह यूसुफ में मौजूद है। मैंने खोल के पढ़ा सूरह यूसुफ को, जब इस मकाम पर पहुंचा, फलम्मारा ऐनहु अकबरनहु वकत्तअना ऐदियहुन कुल्ला हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुं करीम। के जब जनाने मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो अश अश कर उठी कि कसम है खुदा की ये इंसान नहीं है, ये कोई मुकद्दस फरिश्ता है। और उन्होंने अपने हाथ काटे, उनके सामने पड़े हुए थे सेब, छुरियां, प्लेटें कि जब यूसुफ आएंगे अलैहिस्सलाम तो तुमने उस लेकर के छुरियों से सेब काटने। तो जिस वक्त उन्होंने उसने यूसुफी का जलवा देखा, वो अपने आप से बाहर हो गई, अपने आप को काबू में न रख सकी, बजाय सेब काटने के हाथ काट डाले, उंगलियां काट डाली। सवाल ये पैदा होता है, इंसान को कांटा चुभे तो क्या मर्द और क्या औरत हाय हाय कर उठता है। औरत को इस बारे में खसूसियत है, कमजोर जो है, क्या वजह के कांटा चुभे तो हाय हाय करे, अपने हाथ से अपने आप को काट डाले, उसको पता न चले मैं ही कटी हूँ। कहते उस वक्त बात मेरी समझ में आ गई कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाने मिस्र में देखा तो आपके जमाले जहां आरा की ये जाज़बियत और कशिश देखी कि वो महसूस ना कर सके कि छुरियां हमारे ही बदनों पे चल रही हैं या सेबों पे चल रही हैं। कहा जमाले यूसुफी देखने वाले के ऊपर इस कदर महबियत तारी हो जाए तो जमाले मोहम्मदी देखने वाले का। कहते उसके बाद मुझे ये हदीस भी मिल गई कि जो मौत का वक्त आता है उस वक्त ये आयत सरकार की तरफ से पढ़ी जाती है, अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नतु रुजी इला रब्बिका राधियतम मर्दिया। ए नफ्से मुत्मइन्ना, अब खुश हो करके खुदा की तरफ आ जा। ए नफ्से मुत्मइन्ना, अब तू खुशो खुरम खुदा की तरफ आ जा। जिस वक्त ये आवाज पड़ती है उसको पता चलता है सरकार के आने का सिग्नल हो गया। अल्लाह मियां साहब आरफे खड़ी ने इसी पर लिखा है, दम दम जान लबा पर आई छोड़ हवेली तल दी खली उड़ी के मत कि तू आवे ठंडी वाल सजन दी। कैसे जिस वक्त उसकी निगाह जमाले मोहम्मदी पर पड़ती है, कहा फिर क्यों पता चले मैं ही मर रहा हूं। कहते उस वक्त बात मेरी समझ आए कि बहस इस पर चली है कि नबी की खूबसूरती क्यों जरूरी है। का अहकाम दे रही है, करना है ये छोड़ना है, ये करना है ये छोड़ना है, ये सारी ड्यूटी की किस्म की बातें हैं, ये बंदे को अच्छे नहीं लगती। का ये हाथ पैर रखते हैं उस खूबसूरत के जो जमाले जहां आरा के जरिए से आसमानी चांद को अपनी तरफ खींच ले, सूरज को अपनी तरफ मोड़ ले, उंगली उठाए तो चांद के दो टुकड़े कर दे, उस असीन के हाथ पर ये कुरान मजीद का ट्रांजिस्टर रखते हैं ताकि जिस वक्त इस महबूब के चेहरे को देखे फंस जाए, फिर उसी रवानी के साथ उसी दिलचस्पी के साथ कुरान के अहकाम भी वो अपना ले। समझ में आई है बात। ये मसला जो है ना नबी के मीलाद का, ये इस हकीकत को बेनकाब करने के लिए जिस वक्त बड़ा होता है मां संवारती है
क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, सुरमा लगाती है, कुछ का कुछ करती है बच्चे को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन जिस वक्त उसके मीलाद का वक्त है, उस वक्त अगर सुरमा लगा हुआ है, खतना बना हुआ है, नाफ कटी हुई है, कंघी की हुई है, सारी दुनिया की खुशबू है, उसकी बलाएं ले रही हैं, तो उस वक्त तो इस बात की हाजत हरगिज़ ना होगी कि इसको संवारा जाए। कहा कि उसके हुस्न का निखार उस वक्त पता चलेगा। सरकार की विलादत जनाब सैयदा माई शिफा हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा माजदा के हाथ पर हुई। हजरत सैयद दो आलम साहब अपनी वालदा साहबा के बदन मुबारक से जुदा हुए तो मेरे हाथ से नीचे मेरे हाथों पर आ गए। तो उस वक्त मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद के मौके पर खुशबू ही खुशबू है। हालांकि उस वक्त विलादत के वक्त बदबू ही बदबू होती है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। लेकिन अब देखने में आया, कोई इधर से पूछना आता है, कोई इधर से पूछना आता है, ये खुशबू कैसी है। कहा ये उनकी महकने दिल के उनसे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं। काजी अय्याज साहब रहमतुल्लाह तआला हजरत गौसे सकलैन के दौर के आदमी हैं, लेकिन रहने वाले हैं स्पेन के। उस वक्त स्पेन में पूरी अरबी जुबान हो गई थी। मुसलमान की हुकूमत 800 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही है बनू उमैया में से। लेकिन जिस साथ उन्होंने अय्याशी को अपना मजहब बना लिया तो जवाल भी उसी रवानी के साथ हुआ कि जान बचाना मुश्किल हो गई। इस मुल्क के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त कोई सरकार के बारे में पूछने के लिए दरवाजे पर आता तो सैयदा कहती हैं सरकार बाहर निकल गए हैं। वो पूछने वाला पूछता कि किस तरफ गए हैं, कहा ये बता के नहीं गए, कहा फिर ट्रेस किस तरह करें कि वो किधर गए। कहा इस वक्त दरवाजे पर खड़े हो खुशबू आ रही है, तो बताता खुशबू आ रही है। कहा कि चारों तरफ मुंह घुमा के देखो, जिधर से खुशबू ज्यादा आ रही है उधर मुंह के करके चल पा। तो जब चलता जाता जो जो खुशबू का दबाव बढ़ता जाता, सरकार के कुर्ब का यकीन होता जाता। ये भी हुस्नों में से एक हुस्न है जो किसी खुशबू का मोहताज न हो। सारी दुनिया की खुशबू है उसके पसीने की मोहताज हो, लेकिन वो किसी का मोहताज न हो। जब वहां जा पहुंचता पूछने वाला, उधर सहाबा पूछते कि किसने बताया इधर आए हैं, उनका उनकी महक ने दिल के उनसे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं। हमारे कुछ सबकी साथी हैं जो तरीकत के सबक कर रहे हैं, तो वो वक्तन फक्तन मुझे आके बताते हैं कि जिस वक्त अपने असबाक में बड़ी खासी महवियत होती है, अचानक खुशबू वहां महकने लगती है। लिमा तकूलून माला तफालून, वो काम लोगों को क्यों कहते हो करो जो खुद नहीं करते हो। कबूरा मकसद इंदल्ला अंतकूलू माला तफालून, इस बारे में खुदा की बारगाह से सख्त पकड़ होगी कि लोगों को कहो कि ये करो लेकिन खुद ना करो। इस बारे में सख्त गिरफ्त होने वाली है। अर्ज ये है कि बात बुनियादी तौर पर इस पर चली थी कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया जो उन्हीं में से बड़ी शान वाला रसूल भेजा जो उसकी आयतें इन पर पढ़ता है और इन्हें पाक करता है।
इस जगह पाक का जिक्र पहले किया, किताब पढ़ाने का जिक्र बाद में किया, जिसका मतलब यह है जो रूमी फरमाते हैं, सद किताबो सद वरक दर नार को सीनरा अल इश्के गुलजार को। कि किताबों को बलाए ताक रख दे, सीने को इश्के मुस्तफा से मुनव्वर कर ले। हमने देखा है किताबों के कुतुब खाने में बैठे हुए नजर नहीं आते, किताबों का हुजूम है, लेकिन इश्के मुस्तफा से बेगाना होने की वजह खाली ढोल, जितने फटे हुए ढोल को बजाओ तो क्या आवाज निकलती है, फटे हुए ढोल हैं, सारा दिन बातें करे तमीज पर कुछ असर नहीं होता। और दूसरी जगह अम्मा बिने मतलब का फकदिस, ये तो हमने इनाम किया है ना, सरकार का मीलाद अल्लाह की नेमत, और अम्मा बिने मतलब का फकदिस ये कुबरा उसका, यानी वो माइनर प्रेमिज है, ये मेजर प्रेमिज है, जो जिसको अल्लाह की नेमत समझ बैठे हो ना उसका खूब प्रचार करो। ये जितनी नेमतें कायनात में हमें मिली हैं सरकार के मीलाद के तोफैल मिली है ना, और नबी को परखने का सबसे पहला चांस जो होता है वो मीलाद का दिन होता है। मैंने सानविन साबित के इब्तदाई अशार पढ़े थे, वह अक्सर अमिन कलम तरकतो आईनी, जिस वक्त उस यहूदी ने आपको मक्के श्री में पहली मरतबा देखा तो धाम से बेहोश आकर वो लजा लगा, यार यहूदी तो यहूदी है इसलिए सरकार के मीलाद पर गशें उसे पड़ती हैं, तुम्हें क्यों गशें पड़ती हैं। हजरत आसान मैंने साबित उस मौके पर कहते हैं मैं मक्के शरीफ में मौजूद हूँ, ये मंजर मेरी आंखों के सामने गुजरा है। जिस वक्त वो होश में आया उस वक्त आले मक्का ने उससे पूछा कि क्या बीमारी हुई है, क्यों बेहोश हुए हो। उसने कहा वल्लाह ज़ाबत इन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, कहा कि आज खुदा की कसम खा के कहता हूँ बनी इसराइलों से नबुव्वत निकल गई है। यार अगर सरकार पैदा हुए तो नबुव्वत बनी इसराइल से किससे निकल गई है, ये बात उसने क्यों कही। जितने 1,24,000 से कमोबेश अंबिया मुरसलीन बनी इसराइल में से गुजरे थे ना, उन्होंने सब ने बतलाया था कि एक नबी है, रसूल है, जो सारे रसूलों का इमाम है, मक्के में पैदा होगा, उसकी नाव कटी हुई होगी, खतना बना हुआ होगा, सुरमा लगा हुआ होगा, कंगी की हुई होगी, मोहताज खुशबू नहीं होगा, वो सबसे आखिरी नबी होगा। अब जनाब वो खत्मे नबूवत का ऐलान तो सरकार के मीलाद वाले दिन हुआ है, क्या बात है, नबूवत चली गई है, हाँ? तो उसको सरकार के मीलाद पर सदमा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ जो सरकार के मीलाद के मौके पर गम मनाने की तालीम देते हैं, ये तो यहूदियों की सुन्नत है, तुम्हें ये जुनून क्यों जागा है।